बॉलीवुड शोबीज़ में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बख्तावर भुट्टो की हाल ही में शादी हुई है और नित नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। उसी के साथ साथ हम आपको बताते चले हैं कि बख्तावर भुट्टो अपनी शादी के अगले ही दिन खुद ड्राइव करके अपने शोहर को कहाँ ले गई हैं, उसके बारे में हम आपको देंगे तमाम तर तफसीलात। डांस जो कि उन्होंने अपनी बहन की शादी पर किया है और उसकी वीडियो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर बात की जाए बख्तावर भुट्टो की, बख्तावर भुट्टो ने अपनी शादी पर अपने तमाम तर पाकिस्तानी रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया और उसके अलावा वो हमें दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपने पर्स पर भी अपनी वालदा की तस्वीर बनवाई हुई थी और साथ ही साथ जो उनकी मेहंदी का दुपट्टा था उस पर भी एक शेर लिखा हुआ था जो कि था, वो लड़की लाल कलंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सोनी मट्टी सुंदरी की वो लड़की लाल कलंदर थी। ये तमाम तरह अल्फाज पढ़ के लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए कि ये खूबसूरत अल्फाज उन्होंने अपने दुपट्टे पर लिखवाए हुए हैं। उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले हैं कि बख्तावर भुट्टो अपने शोहर को लेकर अपनी वालदा की कब्र पर चली गईं और वहाँ पर जाके अपने शोहर के साथ कुरान मजीद की तलावत की और साथ ही साथ अपनी वालदा के लिए दुआए मगफिरत भी की। आप तमाम तर तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके दर्जात भी बुलंद करें। और हाँ, अगर बात की जाए आसफा भुट्टो की, आसफा भुट्टो ने बख्तावर भुट्टो की शादी पर जो डांस किया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम तर वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें और हमसे अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।